श्री शक्ति सिंह गोहिल। माननीय सभापति महोदय, ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से आता है तो न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। और ये भी कहा जाता है कि जुडिशियल प्रोसेस इज द बिगेस्ट जुडिशियल पनिशमेंट। तारीख पे तारीख लोग परेशान होते हैं, और ये क्यों होता है? मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाईकोर्ट के जजेस की वो 1124 है, उसमें से 324 जगह माननीय सभापति महोदय खाली है। माने 29% से ज्यादा हाईकोर्ट में अगर जजेस खाली है तो फिर जस्टिस डिलेड ही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP बहुत सोच समझ के 3 जजेस के जजमेंट के बाद MOP बना है। MOP के हिसाब से और हमारे संविधान के आर्टिकल 224 के हिसाब से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, सरकार का रोल ही नहीं है इसमें खास। आपके वहां प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट से भेजे हुए, आप क्यों रोक के रखते हो? क्यों इसको आप दबा के रखते हो और इससे इतनी जगह खाली है? तो क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप हटाना चाहती है या नहीं? मैं जनरली, सरकार होती है पार्टी की होती है, सरकार होती है वो अलायंस की होती है, पर यहाँ पे एक व्यक्ति की सरकार चल रही है, इसलिए मैं उसी हिसाब से। सर, मोदी सरकार पार्टी की सरकार नहीं है। यू आर चैलेंजिंग द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी सर, एंड यू आर डूइंग इट। सर, ये हकीकत है, सर, ये हकीकत है। जो मंत्री खड़े होते हैं बीजेपी सरकार नहीं कहते, एनडीए सरकार नहीं कहते, वी कांट गो, मोदी सरकार कहते, तो मैं भी उसी लाइन में पूछना चाहता हूं। That are being ruled by one person, yes sir, which yes, is a government, sir. By so one ruled person. I will ask, go to democratic process. Sir, you ask your supplement, me. Please. Sir, I'm ask your supplement. I deeply obliged you. Ask your supplement. Me. And sir, इसी लाइन पे मैं पूछना चाहता हूँ। बात बहुत दूर तक लग जाएगी, इसको बंद कीजिए सर, प्रश्न पूछिए सर। सर इट्स एन इम्पोर्टेंट इश्यू सर, आपका स्नेह है। मैं आप भी जुडिशियरी से, मैं भी जुडिशियरी से, कोर्टों से जानता हूं, जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के दर्द। अब माननीय मंत्री जी से पूछिए सर। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी सुनिए। ऐसा UPA सरकार में कभी नहीं हुआ था, इसलिए आप जरा सुनिए, इसका जवाब ही नहीं। आप काइंडली लिसन सो दैट यू कैन, आपके जरिए सर। ये 7 नवंबर 2023 को व्यक्ति की सरकार होती है। इस मोदी जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीक एंड चूज अप्रोच टू कॉलेजियम प्रपोजल इज नॉट गुड। सुप्रीम कोर्ट को आप 20 नवंबर को कहा कि प्रपोजल आती है, उसको आप स्प्लिट कर देते हो, पसंद वाले को दे देते हो। मिस्टर शक्ति सिंह गोहिल, इज नॉट ट्रू। मिस्टर शक्ति सिंह गोहिल और नॉट, यू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। वन सेकंड, नहीं है। वन सेकंड, प्लीज टेक ऑफिशियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। बेंचेस, यू नो वेरी वेल सर व्हाट इज बार एंड बेंचेस। Version from bar and benches. No, I'm so sorry. Very clear. I'm so sorry. And that clear. I am absolutely so sorry. That clarity. This can't be allowed. I will give you. No, sir. There will be consequences emanating out of it. You will have to authenticate from authenticated record of the Supreme Court. Sir, we have highest regard for our judiciary. Sir, I cannot allow judiciary to be so reflected. Whether it is right or wrong. Let minister reply ask, that this was ask not your, told by the ask Supreme your supplementary. Court. This is my second See, supplementary. Ask your supplementary asking, and comply with the directive. Whether this was told by the Supreme ask Court. Ask your or supplementary. Not. Let honorable minister reply. Ask your supplementary. Ask your supplementary.